नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कोरोना योद्धाओं का आज स्वागत किया गया। लाल बत्ती चौक पर फूल मालाओं के साथ रोकी बेतल ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राक्षस रूपी इस लड़ाई के साथ हम सीधे लड़ रहे हैं और फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले ये योद्धा है। रोकी बेतल ने राहुल गांधी के एक बयान पर कहा कि वे बचकाना काम करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा बचकाने बयान भी देते हैं। अपने ननिहाल इटली को देनी चाहिए थी सलाह। पलपल फतेहाबाद से राजेश भामो की विशेष रिपोर्ट। कोरोना फ्रंट लाइन पर आकर के लड़ाई लड़ रहे कोरोना योद्धाओं का आज फतेहाबाद में फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। प्रदेश सरकार के पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन रॉकी मित्तल ने आज लालबत्ती चौक पर योद्धाओं का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वास्तव में कोरोना की लड़ाई जो अगली पंक्ति में खड़े रह करके सैनिक लड़ रहे हैं वो यही लोग हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व एक ऐसी विभीषिका से गुजर रहा है जिसका अंत हम सबको मिलकर करना है। उन्होंने इलाके के लोगों से भी अपील की है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का स्वागत करें और पालना करें। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी पर टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा ऐसे बचकाने बयान देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सलाह ही देनी थी तो अपने ननिहाल इटली वालों को देनी चाहिए थी, वे आखिर सोचते क्यों रह गए। अब देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। रूपी राक्षस के खिलाफ जो योद्धा जंग लड़ रहे हैं दिन रात जागकर, चाहे पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी लोग हैं, उन पे हम सरकार की तरफ फूलों की बरसात कर रहे हैं कि जैसे कभी भी कोई राक्षस का वध होता था तो फिर देवता बरसात करते थे। आज ये बहुत बड़े राक्षस को ख़त्म करने वाले हैं। ऐसा राक्षस जो अनदेखा है, दिखता भी नहीं है। जब सेना दुश्मन देश के खिलाफ लड़ती है, दुश्मन के साथ लड़ती है, कम से कम दुश्मन दिखाई तो देता है। कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो दिखाई भी नहीं देता, उसके बाद भी इतना बड़ी जंग लड़ रहे हैं। और हरियाणा के अंदर कुल 214 पॉजिटिव थे जिसमें से 64 ठीक हो गए। और हरियाणा की जो मेडिकल की बात की जाए, 14 लोग इटली से आए थे जिसमें 13 ठीक करके भेज भी दिए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसके अंदर 10 विदेशी भी हैं और 64 लोग बाहर के प्रदेश के हैं, जबकि हरियाणा के अंदर बहुत कम है। और जो ऐसा वो भी ठीक हो रहे हैं, जो गए थे सिर्फ 2 की डेथ हुई है। राहुल गांधी का कहना है कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होगा, इस पर मंथन करना पड़ेगा या फिर और कोई सरकार को। देखो, राहुल गांधी की सोच को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उसका तो हमेशा बचपन वाले ध्यान होते हैं। वो यदि इतनी अच्छी सोच रखते हैं तो उसने कम से कम जो उसकी नानी के घर में इतना इटली के अंदर कोहरा मचा, इतने लोग मारे गए, उनको एडवाइस देता तो शायद अच्छा था। मोदी जी को एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। मोदी जी जो सोच रहे हैं उसकी पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, पूरी दुनिया सलाम कर रही है मोदी जी के लॉकडाउन को। और जितने 135 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी हम इतना कंट्रोल कर पाए, ये मोदी जी की दूरदर्शा का परिणाम है। शायद वो बचपन वाले ध्यान दे रहे हैं। इस टाइम राजनीति करने का वक्त नहीं है। और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सबने एक लड़ाई लड़नी चाहिए कोरोना के खिलाफ। अभी लड़ाई लड़ने का टाइम है, राजनीति करने का टाइम है। इस तरह से डॉक्टर और स्टाफ नर्सों पे भी हमले हो रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, हरियाणा में तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन जो बाहर घटनाएं घट रही हैं वो बल्कि शोभनीय है। लेकिन ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर होता है एक भगवान का रूप होता है, भगवान का रूप होता है तो लोगों को ठीक करने के लिए बना है, न कि नुकसान करने के लिए। पुलिस पे पथराव करना, डॉक्टरों पे पथराव करना बिल्कुल अनैतिकता का काम है। ऐसे लोगों पे देशद्रोह के मुकदमे होने चाहिए।